हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनमें आपस में क्या डिफरेंस है। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई पार्टिकल है ए से यहाँ पर बी पे पहुँचने की कोशिश करेगा तो कैसे जाएगा, या तो वो डायरेक्ट जा सकता है या फिर ऐसे घूम के जाएगा। जितना भी पाथ उसने कवर किया इस तरह, इसे हम कहेंगे डिस्टेंस, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। और ये वाला जो पाथ है हमारे पास, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल एनी डायरेक्शन, पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, टोटल पाथ कह देंगे इसको, टोटल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल वाया ए टू, ये मैं नाम देता हूं सी का, वाया सी, इसे हम कहेंगे डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन टू पॉइंट्स, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन यहां पर रिप्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन ए से बी में अगर डायरेक्ट जाना है तो उसे हम कहेंगे ये पर्टिकुलर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो ऐसा यूनिट है, क्योंकि ये एक प्रकार की लेंथ हुई, इसकी ऐसा यूनिट भी क्या हुई, मीटर। इसकी भी ऐसा यूनिट जो हुई वो मीटर हुई। और सीजीएस यूनिट की बात करें उसे हम कहेंगे सेंटीमीटर। इसकी भी सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। चलिए थोड़ी सी और बात कर रहे थे, डिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव होगा, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा जीरो। पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव कब होगा, अगर कोई बॉडी ए से बी जा रही है उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारी कंडीशन है, व्हेन एवर मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। लेकिन अगर वो पार्टिकल बी से यहां पर सी वापस आ गया, उस समय जो डिस्टेंस होगा ए से गए बी फिर प्लस बी से आकर सी तक, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा ए सी, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये पॉजिटिव भी हुआ नेगेटिव भी हुआ जीरो। जीरो कब होगा, अगर वो पार्टिकल वापस आ जाता है ए पर, इनिशियल से वापस उसी इनिशियल पॉइंट पे, फाइनल पे गया फिर इनिशियल पे आ गया, उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब अबे हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, डिस्टेंस इक्वल एंड ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट। ये रिजल्ट हमें क्या शो करता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे और ग्रेटर देन होंगे। कभी भी डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, उसके बराबर तो हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी बड़ा नहीं होगा, इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के, वो छोटा ही रहेगा। चलिए अब इनकी न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक पार्टिकल है वो ए से चला बी पे पहुंचा, मान लीजिए ये 3 मीटर गया और ये 4 मीटर गया ए से बी, बी से सी, तो टोटल डिस्टेंस इसका हो गया ए से सी तक पहुंचने में 3 + 4 = 7 मीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, एसी। तो एसी कैसे निकलेगा, हम पाइथागोरस लगा लेंगे, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर √9 + 16 √25 5 मीटर। ये हमारी आगे डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मान लीजिए
अगर कोई पार्टिकल ए से घूम के गया ऐसे बी पर आया और बी से फिर वापस ए पर आया, ए से लेकर ए तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो जीरो हो गया, अगर वो पार्टिकल ए से चला और बी के रास्ते वापस ए पे आया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। लेकिन जो इसका डिस्टेंस हुआ वो रिप्रेजेंट करेगा इसका जो भी सर्कमफेरेंस है। अगर इसका रेडियस आर है तो डिस्टेंस क्या हो गया 2πr। अगर मैं कहूं कि ए से लेकर पार्टिकल बी पे पहुंचा उस समय ए टू बी, उस समय जो उसका डिस्टेंस हुआ टू पाई आर बाय टू और ये आ गया आपके पास पाई आर, और ए से लेकर बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, ये आर और ये आर, ये डायमीटर हो गया, ये हमारे पास आ गया टू आर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मान लीजिए अगर हमारा कोई पार्टिकल ए से बी ये वाला पाथ कवर करता है, अगर ए से बी पाथ कवर कर रहा है ये 1/4 पार्ट है, उस समय डिस्टेंस क्या होगा, ध्यान से देखिए 1/4 पार्ट, इसका मतलब मैं लिख दूंगा 2πr/4, ये आ गया πr/2। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ये वाली लाइन हमने ड्रा कर ली, डिस्प्लेसमेंट अगर ये हमारे पास रेडियस आर हुआ, ये आर हुआ, पाइथागोरस लगा दी हमने, r² + r² 2r², ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई √2r। यहां से देखिए ये रेडियस आर, ये आर, पाइथागोरस लगेगी यहां पर, r² + r², ये वाला आ गया r² + r² का अंडर रूट, उसके बाद क्या आएगा √2r। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। Thank you.